प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई रही है कांग्रेस द्वारा। तो सीडब्ल्यूसी ની બેઠક સમાપ્ત થઈ છે। આ બેઠકમાં કયા કયા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી, કયા કયા ઠરાવો પસાર થયા તે બાબતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવશે, જોઈ શકાય છે। પ્રિયંકા ચતુર્વેદી હાલમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે, આનંદ શર્મા પણ છે। આનંદ શર્મા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને કયા કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી, કયા કયા મુદ્દા પર ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યા તે બાબતે ચર્ચા કરશે અને તે બાબતે તમામ લોકોને માહિતગાર કરશે, મીડિયા સાથે વાત કરશે કોંગ્રેસના નેતાઓ અને તેમની સીડબ્લ્યુસીની બેઠકમાં કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી તે જણાવવામાં આવશે। તો થોડી જ વારમાં કોંગ્રેસ તરફથી પ્રેસ કોન્ફરન્સની શરૂઆત કરવામાં આવશે। ડાયસ પર ઉપસ્થિત છે આનંદ શર્મા, પ્રિયંકા ચતુર્વેદી અને તેઓ મીડિયાને સંબોધન કરશે। તો દ્રશ્યો સીધા સામે આવી રહ્યા છે અમદાવાદથી, કે જ્યાં થોડી જ વારમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવશે કોંગ્રેસના નેતાઓ દ્વારા। પ્રિયંકા ચતુર્વેદી ઉપસ્થિત છે, આનંદ શર્મા ઉપસ્થિત છે। नमस्कार। कांग्रेस कार्यकारिणी की आज अहमदाबाद में सरदार स्मारक में बैठक हुई। इस कार्यकारिणी में देश की वर्तमान परिस्थितियां, चुनौतियां और अगले चुनाव पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। कांग्रेस कार्यकारिणी ने विशेष रूप से इस बात को स्मरण किया कि ये कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि और वो गुजरात राज्य जिसने लौह पुरुष सरदार पटेल एक कांग्रेस के और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता के रूप में राष्ट्र को दिए, उनके मूल्य सिद्धांत जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया उसके लिए प्रतिबद्धता दोहराई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। यह भी स्मरण करते हुए कि इस साल देश 150वीं शताब्दी मनाएगा महात्मा गांधी के जन्म की वर्षगांठ, और नवासी 89th जो है दांडी सत्याग्रह का भी आज वो है, वर्षगांठ है, उसके लिए भी हमने उसको स्मरण किया है और उस महत्वपूर्ण योगदान और संघर्ष को सलाम किया है। इस साल हमारा देश जलियांवाला बाग के भयानक हत्याकांड के 100 साल भी मनाएगा, इसलिए कांग्रेस कार्यकारिणी ने तमाम वो लोग जो शहीद हुए 100 साल पहले जलियांवाला बाग के अंदर, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि और उनके लिए अपना स्मरण किया है। जो अधिकार भारत की जनता को दिए हैं उन पर निरंतर प्रहार हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने
अपने अभिभाषण में ये बात स्पष्ट की है कि भारत की वो तस्वीर, द आइडिया ऑफ इंडिया, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों का था, उस भारत की तस्वीर से अलग एक दूसरे भारत की तस्वीर बनाने का प्रयास है, जो उन मूल्यों से हटकर है जो हमारा देश बहुभाषी बहुधर्मी है, हमारा देश संवैधानिक प्रजातंत्र है और कांग्रेस पार्टी की सोच निरंतर एक रही है कि हमारे समाज के अंदर हर नागरिक को उसका अधिकार, सुरक्षा और सम्मान मिले। कांग्रेस ने इसके महत्व को समझते हुए, कार्यकारिणी ने आज के परिप्रेक्ष्य में उसको पुनः दोहराया है। एक राजनीतिक प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी ने पारित किया है जो हम आपको देंगे, उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा। जो पृष्ठभूमि में है कार्यकारिणी की बैठक की, देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जो हाल का घटनाक्रम रहा है, पूरा देश एक आवाज में देश पर हुए किसी भी हमले और प्रहार के खिलाफ खड़ा है। भारत की आवाज इसमें हमेशा मजबूत रही है। एक ऐसा विषय जिस पर देश में पूरी जनता की एकता है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व ने पहले दिन इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि समय पूरा देश एक साथ है। कांग्रेस कार्यकारिणी ने मजबूती से जिन लोगों के खिलाफ इरादे देश की तरफ हैं, उनको ये संदेशा दिया है कि भारत के प्रजातंत्र को की परिपक्वता और उसकी मजबूती को समझें। जहां तक चाहे वो चुनाव का समय है, पर देश राष्ट्रीय विषयों पर एक है और किसी के भी जो नापाक इरादे हैं उनको भारत देश कभी कामयाब नहीं होने देगा। उसके साथ साथ जो हमारी बहादुर जवान हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, जो सरहदों पर रक्षा करते हैं देश की, जो कुर्बानियां देते हैं, उनका भी नमन किया गया है, उनके बलिदानों का भी स्मरण किया गया है। कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक बात को मद्देनजर रखते हुए कि देश में जो राजनीतिक संवाद है उसमें कड़वाहट और गिरावट आ गई है, जिसका सीधा दोष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए कि राष्ट्रीय एकता का जहां महत्व है, देश के प्रधानमंत्री और सरकार देश की जनता के बीच में लकीरें खींचने की बात करते हैं केवल राजनीतिक फायदे के लिए। प्रधानमंत्री लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं केवल चुनावी राजनीति और वोट की राजनीति के लिए, हम उसकी निंदा करते हैं। बेहतर है कि प्रधानमंत्री जी लोगों की विवेक पर सवाल ना करें और भारत की जनता की याददाश्त का भी अपमान मत करें। प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि देश के लोगों का, मतदाता का, नौजवान का, किसान का, उनका जो ध्यान है उनके पिछले 5 साल की वायदा खिलाफी से हटा दिया जाए और कांग्रेस पार्टी प्रयासरत रहेगी
देश की जनता को ये बताना कि चुनाव सरकार के लिए होता है, और जब सरकार बनाने के लिए कोई वायदे किए जाते हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं जनता का विश्वास प्राप्त करके, विश्वासघात नहीं किया जाता जो नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया है। असली मुद्दा रोजगार का है आज देश में। नौजवानों में गुस्सा है, परेशानी है समाज के अंदर। इस देश ने रोजगार पैदा नहीं किए, जो 10 करोड़ रोजगार 5 साल में होने थे, करोड़ों रोजगार टूटे हैं। पिछले 45 बरस में इतनी कभी, दो बड़े सूखे और दो बड़े युद्ध के बाद भारत में एक ऐसी परिस्थिति आई थी थोड़े समय के लिए, उससे भी ज्यादा आज देश में बेकारी बढ़ चुकी है। किसान को ना न्याय मिला है, ना राहत मिली है, ना कीमत मिली है। देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार पर निरंतर शासन और प्रशासन का हमला है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता है कि हम उनके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान भी करें और रक्षा भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी देश के प्रजातंत्र की मजबूती में विश्वास रखती है और भारत के मतदाता के विवेक में, इसलिए विनम्रता से कांग्रेस पार्टी भारत की जनता के पास जाएगी, अपने उस आश्वासन को लेके कि कांग्रेस जनादेश के बाद देश को एक सच्ची सरकार देगी, वो सरकार जो कहा है वो करके दिखाने की क्षमता रखती है। कार्यकारिणी ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी हाल के जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस पार्टी की विजय हुई, कांग्रेस की सरकारें बनी, वहां कांग्रेस के अध्यक्ष ने, श्री राहुल गांधी जी ने एक वायदा किया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस की सरकारें बनते ही सबसे पहला फैसला किसानों के कर्जे माफ करने का, उनको राहत देने का था। ये अंतर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वचन में और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की निरंतर वायदा खिलाफी का। इस 5 साल में भारत के लोगों को जो कहा था वो नहीं मिला, पर तकलीफ जरूर इस सरकार ने दी है अपने गलत फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी का फैसला था, GST का फैसला था, इनके निर्णय से करोड़ों कारोबार असंगठित क्षेत्र में टूटे हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के नौजवानों के भविष्य और रोजगार पर पड़ा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी ने ये अपने प्रस्ताव में कहा है देश की जनता को कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद ये उम्मीद रखते हुए कि हम जनादेश लेकर आएंगे, भारत के अंदर पुनः जो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उसकी सेहत ठीक करने को, जो विकास की आज प्रचार में है और मोदी जी के और बीजेपी के खोखले दावों के अंदर है, वास्तविकता, जमीनी हकीकत बहुत अलग है, तो दोबारा अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारना, और जो आज समाज के अंदर भय का वातावरण है, हताशा है, उससे इस देश को उभार कर लाना, ये संकल्प कांग्रेस कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से किया है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहा अपने अभिभाषण में, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी संबोधित किया, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर
गहरी चिंता व्यक्त की है। केवल एक जो गिरावट निरंतर आई है हमारे विकास में, उसके साथ जो एक बड़ी अनदेखी एग्रीकल्चर सेक्टर की हुई है, कृषि क्षेत्र की हुई है, जहां निरंतर विकास गिरा है, निवेश गिरा है। एक चिंता स्पष्ट शब्दों में कही है कांग्रेस अध्यक्ष ने, जिसका पूरी कार्य समिति उसका अनुमोदन करती है, कि देश में संस्थाएं जो आज़ादी के बाद बनी हैं, उन संस्थाओं पर मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने निरंतर चोट करी है। और हर वो संस्था जो हमारे संवैधानिक प्रजातंत्र को बनाए रखी हुई आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, उनको सुनियोजित तरीके से केवल कमजोर करना नहीं, उनको बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे वो केंद्र की एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, जिनका निरंतर राजनैतिक प्रतिशोध के लिए दुरुपयोग हो रहा है। और देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया गया है जो किसी भी प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं है। As I have said, the Congress Working Committee has met in this city of Ahmedabad. We call it a historic meeting of the Working Committee because after a long time, the Congress Working Committee has met in the land of the birth of the father of the nation, Mahatma Gandhi, and Sardar Vallabhbhai Patel was not only an ardent follower of Mahatma Gandhi, the very fact that after the Bardoli